सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल उमाज ऑल इन वन चैनल पे। तो आप सब कैसे हैं, होप आप सब इस समय अच्छे ही होंगे। आज मैं लेकर के आई हूँ कटहल की सब्ज़ी। हम घर गए थे लास्ट टाइम, आपको मैंने वीडियो पोस्ट कर दी है पहले, आप लोगों ने देख भी लिया होगा। तो हम घर गए थे तो वहाँ से कटहल लेकर के आए हैं। कटहल्स मीन्स इधर जिसे कहते हैं जैक फ्रूट, हम कह सकते हैं इंग्लिश में जो हम जैक फ्रूट जिसे कहते हैं, उसकी आज हम सब्ज़ी बनाने वाले हैं। तो वो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। और आने के बाद हालत थोड़ी सी ख़राब है, तबीयत ख़राब है हस्बैंड की भी, बट बना के वही दिखाएंगे। तैयारी सारी मैंने की है, तो आप लोगों को कैसा लग रहा है देखिए ज़रूर। और टाइम वेस्ट ना करते हुए बढ़ जाते हैं आगे। वैसे मैं भी बनाती हूँ बट ये ज़्यादा टेस्टी बनाते हैं, इसलिए मुझे लगा कि मैं इनको ही कहूँ कि थोड़ा आपको बना करके दिखाए। तो और देर ना करते हुए बढ़ते हैं आगे और बने रहिए वीडियो में। तो ये मैंने ले लिया है कटहल, ये है जैक फ्रूट जिसे कहते हैं, और साथ में तेल और सारा मैंने सामान रख लिया है। इसमें बहुत ज़्यादा ही कस निकलता है, तो इसके लिए आप पहले ही तेल लगा लें चाकू में, चाहे इस तरह का जिसमें काटते हैं हम लोग, हसिया जिसे कहते हैं। देखिए काटना भी मैं आप लोगों को दिखा दे रही हूँ कि कैसे आप लोग घर पे कट कर सकते हैं। ये बिल्कुल खड़ा हमने लिया है गोटा, अगर आप मार्केट से लाएँ तो आप कटवा कर भी ला सकते हैं। घर पर अगर आपको काटना है तो इस तरह से आप कटिंग कर सकते हैं। तो सारे जैक फ्रूट देखिए हमने काट लिए हैं। काटने के बाद फटाफट आप पानी में इस तरह धो लीजिए और कुकर में हम इसे ऐड कर देंगे, साथ में आलू भी, दो तीन आलू। आलू ऑप्शनल है, आप लोग अगर नहीं खाना पसंद करते हैं तो हटा सकते हैं, हम लोग हमेशा आलू यूज़ करते हैं आपको पता ही है। और साथ ही मैंने इसमें डाल दिया है तकरीबन 1 ग्लास ऑफ वाटर, और ये थोड़ा सा जो ऑयल बचा था जो हमने लिया था हाथों में लगाने के लिए वो डाल दिया है, और साथ ही एक हाफ टी स्पून हमने इसमें सॉल्ट एंड टर्मरिक यूज़ की है। इसको बॉयल करने के लिए आपको डालना होगा ताकि अच्छे से ये सॉफ्ट हो जाए। और कुकर एक सीटी लग चुकी है गैस पे, और ये मसाला मैं ले रही हूँ, दिखा दे रही हूँ मैं आपको क्या क्या ले रही हूँ। नॉर्मली मसाला है, प्याज अदरक लहसुन मिर्ची और टमाटर है, सबको हम पीस लेंगे मिक्सी के जार में। अच्छे से देखिए मैंने साफ़ करके रखा हुआ है, थोड़ा ज़्यादा ही क्वांटिटी में हमको मसाला लेना होगा क्योंकि जो कटहल है वो तकरीबन 1.5 kg होगा ही। और मसाले हमने पीस लिए हैं, इधर कढ़ाई भी मैंने चढ़ा लिया है गैस पे। कढ़ाई जैसे ही गर्म हो जाए आप इसमें ऑयल ऐड कर दीजिए। पहले मैंने रिफाइंड ऑयल ऐड किया है और उसके बाद कुछ मैंने इसमें ऐड कर दिया है सरसों का तेल। आप चाहे तो पूरा ही सरसों का तेल में भी बना सकते हैं। और तड़के के लिए मैंने इसमें डाल दिया है 1/2 टीस्पून जीरा, क्यूमिन सीड्स, और ये खड़े मसाले ले रही हूँ मैं कुछ। तो इसमें सबसे पहले मैंने ऐड किया है बे लीफ और रेड चिली, 3-4 रेड चिली मैंने इसमें तोड़ दिए हैं और 3-4 बे लीफ है। और बाकी के खड़े मसाले आपको दिखाया मैंने, उसे साइड कर दिया है, बाद में हम यूज़ करेंगे। और ये पीसे मसालों को डाल करके मसालों को हमको अब भून लेना। अब ये बाकी देखिए खड़े मसालों को इस समय हम ऐड कर लेंगे थोड़ी देर मसाला भूनने के बाद, डायरेक्टली तेल में आप ना डालिए। आप टमाटर को हम इस तरह मिक्सी में ब्लेंड कर लेंगे, आप चाहे तो कट करके भी डाल सकते हैं। ये मैंने पीस लिया है टमाटर, इधर मसाला तब तक भून रहा है। अब हम इसमें सूखे मसाले ऐड कर देंगे। सूखे मसालों में सबसे पहले मैं इसमें दे रही हूँ 2 चम्मच हल्दी पाउडर, टर्मरिक पाउडर, और ये रहा धनिया पाउडर। धनिया पाउडर थोड़े ज़्यादा क्वांटिटी में चाहिए होगा, आप जिस तरह सब्जी बना रहे हैं उस तरह ले सकते हैं। अगर आप कटहल कम ले रहे हैं तो कटहल मसाले कम लीजिए। यहाँ मैंने 3 चम्मच धनिया पाउडर यूज़ किया है और 1 चम्मच जीरा पाउडर, और 1 चम्मच हमने इसमें ऐड किया है लाल मिर्च का पाउडर। हमने हरी मिर्च पीसी थी इसलिए लाल मिर्च का पाउडर आप थोड़ा ध्यान रखकर डालिए, जितना तीखा आप लोग पसंद करते हो। इसी समय हम इसमें ऐड कर देंगे टमाटो की प्यूरी जो हमने मिक्सी में पीस ली है, और बस अब आपको धीरे धीरे आँच में मसालों को पका लेना है। इधर देखिए कुकर में हमने सीटी लगा ली है, एक ही सीटी आपको लगाना है ताकि कटहल जो है थोड़े सॉफ्ट हो जाए, और इस पानी से हमको इसे ड्रेन कर लेना है।
ये मैंने ड्रेन कर लिया है। ये थाली मेरे पास है, ये आप सभी के पास होती होगी, वरना आप ऐसे ही पानी को निकाल दीजिए। मसाला अच्छे से भुन गया है, ढक ढक कर हमने तकरीबन 10 से 15 मिनट हमने मसालों को पकाया है। जब आपको पता लगे कि तेल सेपरेट हो रहा है, तब आप इसमें कटहल को ऐड करके थोड़ी देर इसे ऐसे ही भून लीजिए। और इस टाइम पर हम इसमें ऐड कर देंगे सॉल्ट। सॉल्ट टेस्ट के अकॉर्डिंग है, हमने इसमें 2 चम्मच सॉल्ट ऐड किया है और साथ ही घर का शुद्ध देसी घी इसमें डाल रहे हैं 2 चम्मच। क्या लेके बना रहे हो खाना? मुड़ो खाना बना रहे हैं। देखिए ये हमारे घर में आया है न्यू गेस्ट, छोटा है बिल्कुल, बेबी पैरोट, और ये पापा के साथ खाना बना रहा है। किधर है हटो तो दिखा दे सबको। देखिए ये बेबी पैरोट, मैंने बताया था आपको कि हमारे यहाँ नया मेहमान आया है, तो बस यही है। कैसे आया है इसकी कहानी बताऊंगी बाद में कभी। सब्जी देखिए हम भून लिए हैं हमने इसमें डाल करके। अब इस समय इसमें मैं गर्म पानी डाल दे रही हूँ। पानी आप जितना आपको रस रखना है उस तरह से आप डाल सकते हैं। मैंने यहाँ पर तकरीबन 3 ग्लास ऑफ वाटर यूज़ किया है। और पापा की तबीयत कुछ ठीक नहीं है आज, और ये चल रहा है। देखिए ये 3 बेबी पैरोट हमारे यहाँ आए हैं, न्यू गेस्ट है हमारे, अब हमारे यहाँ ही रहेंगे जब तक ये लोग रहें। और ये पापा के साथ बिल्कुल इको फ्रेंडली महसूस करते हैं। देखिए साथ में कैसे बैठे हुए हैं कंधे पे। इनकी तबीयत कुछ खास ठीक नहीं है अभी, फिर भी मदद कर रहे हैं मेरी कुकिंग में है? और इनको खाना भी खिलाना है, अभी इनको खाना खिलाते हैं। कौन बताओ अब इसके बारे में बताएगी आनी। चलो लोग को फीड करते हैं वो ड्रॉप पर, पापा खिलाते हैं वो जो मेडिसिन है। और तुम? मैं तो कैसे पकड़ लेती हूँ। हाय हाय बोलो बेबी पैरोट सबको, मेरे सारे फ्रेंड्स को कर दो हाय हेलो। इधर क्रॉस करना, ये छोटा वाला है, छोटा वाला कौन सा है ना, और ये मिडिल है और ये बड़ा वाला। ग्रू मॉन्टी रख। अच्छा इसका नाम भी रख दिया नहीं। हेलो जाओ 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 घर में जाओ अपने जाओ। ये लोग चले गए अपने हाउस में। अंदर एक वाटरमेलन रखा है। ये पैरोट्स का खाना रेडी हो रहा है, बस पापा भी इनको खाना खिलाने वाले हैं। अब यहाँ ये बनाने लगे हैं बेबी पैरोट्स का खाना, क्योंकि अब उनको रखा है घर में तो उनकी तैयारी भी करनी होगी। साथ ही इधर मैं सब्जी में ऐड करने वाली हूँ हम हरे धनिए की पत्तियाँ, अच्छे से मैंने वॉश कर लिया और इस तरह से चॉप करके बस डाल करके कटहल की सब्जी को उतार लूँगी। बिल्कुल तैयार है गर्मा गर्म कटहल की सब्जी। रोटी चावल नान किसी के भी साथ आप सर्व कीजिए, खुद भी खाइए, सबको खिलाइए। कैसी लगी ज़रूर बता सकते हैं। बिल्कुल रेडी है जैक फ्रूट की मसालेदार करी। बहुत ही ज़बरदस्त, डिनर के लिए, लंच के लिए, किसी के लिए भी, यहाँ तक कि आप नाश्ते के लिए भी इसे यूज़ कर सकते हैं। अब हमारे खाने से पहले पापा खिला रहे हैं बेबी पैरट्स को खाना। तबीयत ठीक नहीं है बट क्या करें, बेबी पैरट्स को रखे हैं तो इनको तो खिलाना ही होगा। इनके लिए इन्होंने खाना मिलाया है और आनी मदद कर रही है पापा की। और ये रेडी रहा हमारा डिनर, सब्जी हम डिनर में ले रहे हैं, तो मैं डिनर कर लेती हूँ और आप वीडियो इंजॉय। तो आज का ब्लॉग मैं बस यहीं ख़त्म करती हूँ। आप लोगों को रेसिपी कैसी लगी बता सकते हैं, घर पर ज़रूर ट्राई करिए। और मेरे हस्बैंड की तबीयत ख़राब है बताया था मैंने, तो लेकिन सब्जी उन्होंने ही बनाया, तो आप लोग सोचेंगे कि कैसे बना रहे, तो सारा कुछ मैंने रेडी करके दिया है, बस उन्होंने आकर के हाथ चला लिया अपना एक दो बार। मैंने वो भी ज़बरदस्ती बोला इनको कि थोड़ा सा आप बता दीजिए, क्योंकि नॉन वेज और वेज में कटहल की सब्ज़ी ये बहुत अच्छी तरह से बनाते हैं, बहुत टेस्टी बनाते हैं, तो उनकी तरह से मैंने आज रेसिपी को शेयर किया है। अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो ज़रूर ट्राई करिए घर में और कमेंट करके बता सकते हैं। अगर
आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल बटन को दबाना बिल्कुल ना भूलेंगे, और एक लाइक तो ज़रूर बनता है अगर आपको पसंद आती है वीडियो। तो आपको दिखाया मैंने कि बेबी पैरोट्स वगैरह आए हैं हमारे घर में, बताऊंगी कभी कि कैसे आ गए हैं, बस उनके पीछे ही ये परेशान है दोनों पापा और हनी कि कैसे उनको सेफ्टी से रखना है, कैसे खाना वगैरह खिलाना है टाइम टू टाइम। वो खुद तो परेशान है, तबीयत ख़राब है, बट फिर भी वो छोटे छोटे बच्चे हैं ना तो टाइम से खिलाना पड़ता है, तो उनको लेकर के बैठे हैं, बस खिला रहे हैं अभी, और इसके बाद मैं भी खाना खा लूँ। मेरा हालत देख करके आपको लग रहा होगा कि इतनी गर्मी है, रात में भी आप किचन में जाएंगे ना तो पसीना तो छूटना ही है, बट क्या करें, हम मम्मियों को किचन में तो जाना ही है, अगर हम किचन में ना जाएँ तो फिर खाना कैसे बनेगा, और डेली डेली तो हम बाहर का खाना खा नहीं सकते हैं। तो अगर आपको अगर वगैरह नहीं, तो चलिए मैं आप लोगों को बाय करती हूँ, टाटा, और यहीं ब्लॉग को ख़त्म करती हूँ। आप सभी को गुड नाइट भी।